देखिए केसरी सिंह बारट का पूरा विवरण जो है अपने राजस्थान में आपने देखा होगा। राजस्थान में एक जगह है शाहपुरा, भीलवाड़ा में एक जगह है कौन सी, शाहपुरा, जो अपने राजस्थान की एक रियासत भी हुआ करती थी, ठीक है। इसी शाहपुरा रियासत का एक गांव है देवपुरा, गांव का नाम क्या है, देवपुरा। और इस देवपुरा गांव में बारट परिवार हुआ एक, जो राजस्थान के क्रांतिकारियों में जब भी हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ते हैं तो इस बारट परिवार का नाम बड़े शान और सम्मान के साथ में लिया जाता है। भारत के इतिहास में अगर देखा जाए ना तो गुरु गोविंद सिंह के बाद में एक ऐसा परिवार हुआ ये जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे परिवार का बलिदान दिया, पूरे के पूरे परिवार का बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरे के पूरे परिवार का मुगलों से लड़ते हुए बलिदान दिया था। उनके चार बेटे थे, है ना, दो बेटे औरंगजेब से सरहिंद की लड़ाई लड़ते हैं और उस सरहिंद की लड़ाई में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, और दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये दोनों पुत्र जो है जब इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो औरंगजेब का सेनापति इनको जिंदा दीवार में चुनवा देता है, लेकिन इन्होंने सिख धर्म की रक्षा की, धर्म नहीं बदला। ये ऐसे वीर योद्धा थे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र। खुद गुरु गोविंद सिंह गुलखां पठान से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में। तो गुरु गोविंद सिंह का ऐसा परिवार था जो एक तरह से सर्वस्वदाता था। सर्वस्वदाता का मतलब जानते हो ना, पूरे के पूरे परिवार ने बलिदान दे दिया, सब कुछ दान दिया, इसलिए उनको सर्वस्वदाता कहा जाता है। अपने राजस्थान में एक ऐसा परिवार हुआ जिसने पूरे परिवार ने अंग्रेजों से लड़ते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए और देश को आज़ादी दिलाने के लिए पूरे के पूरे परिवार के लोगों को फांसी की सजा हुई, और वो था भीलवाड़ा के शाहपुरा का बारट परिवार, केसरी सिंह बारट, है ना, इनके भाई जोरावर सिंह बारट, इनके बेटे प्रताप सिंह बारट, है ना। जब उनको यातनाएं दी जाती है प्रताप सिंह बारट को, तो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लीवलैंड उनको इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि तू जेल में है, है ना, तेरी माँ जेल के बाहर रो रही है, है ना, और तू अगर चाहता है और तू अपनी माँ से मिलना चाहता है, माँ को राजी रखना चाहता है, तो तेरे साथी कौन कौन थे, तेरे साथ में षड्यंत्र करने वाले और कौन कौन थे, है ना, उन क्रांतिकारियों के नाम बता दे, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, तू तेरी माँ से मिल लेना। तो उस प्रताप सिंह बारट ने लॉर्ड क्लीवलैंड को लिखा, उस लॉर्ड क्लीवलैंड को कहा कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए इस देश की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन कई बार पूछा जाता है, वह क्रांतिकारी जिसने ये कहा कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, तो वो क्रांतिकारी कौन था, प्रताप सिंह बारट। ये प्रताप सिंह बारट इन्हीं का पुत्र था, केसरी सिंह बारट का। जब प्रताप सिंह बारट को फांसी की सजा हुई तो केसरी सिंह बारट ने यह कहा कि आज मुझे गर्व है कि मेरे प्रताप पैदा हुआ, है ना, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को कबूला, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। ऐसे महान परिवार, कल्पना करो, पूरा परिवार, पूरे के पूरे परिवार को अंग्रेज फांसी की सजा सुनाते, कितनी बड़ी बात होती है। इसलिए एग्जामिनर यहाँ से बार बार चीजें पूछता है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है, इनकी किताबें, इनकी जो जो घटनाएं हुई, है ना, वो सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना महान परिवार होगा जिसके पूरे परिवार नहीं, दामाद तक को फांसी की सजा हुई। दामाद जो था, इनको भी अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। तो सोच लो कितना महान परिवार होगा, एक परिवार के सदस्य नहीं, दामाद को भी अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। अपने राजस्थानी संस्कृति में कहावत है कि पूत के पग पालने ही दिख जाते हैं, है ना, पूत जो होता है, सपूत जो होता है ना, वो जब जन्म लेता है ना तभी उसका पता चल जाता है कि ये क्या बनेगा। और अपने राजस्थान में तो माताएं संस्कार ही ऐसा देती है, ना, इला न देनी आपणी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने र मरण बढ़ाई माए। माँ अपने बेटे को संस्कार ये देती है कि मर जाना लेकिन इस मातृभूमि को कभी गुलाम नहीं होने देना, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध रहना। ये संस्कार अपने राजस्थान की माताएं देती है। और जब जब राजस्थान संकट में आता है तो राजस्थान, चाहे वो मुगलों के काल की बात करें, चाहे अंग्रेजों के काल की बात करें, या अरबी आक्रांताओं की बात करें, जब जब राजस्थान पर संकट आया, इस राजस्थान की धरती के ऐसे शूरवीर हुए जिन्होंने इस राजस्थान को बचाने का काम किया, इस राजस्थान की रक्षा का काम किया। इसलिए डॉक्टर शक्तिदान कविया ने लिखा कि जद ही भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही, जद ही भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही, बख्तरी कड़ियां बड़की ही, जद सिंधु राग सुनाई ही, गड़गड़ियां तोपारा गोला भालारी अणियां भड़की ही, जो धारा धारा जुड़ता ही खाड़ा रातंबर खड़की ही, रड़वड़ता माथा रणखेता अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता, सिरकटिया सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता, रणबंका भीड़ आराण रचे तिड़पैखे बाण तमाशा है, और उन वक्त हुए ललकार उठे, वह राजस्थानी भाषा है।
उन वक्त हुए ललकार उठे वह राजस्थानी भाषा, यानी जब जब राजस्थान पर संकट आया तो इस राजस्थान के शूर वीरों ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों बलिदान दिए। ये राजस्थान की परंपरा रही है। तो केसरी सिंह बारट एक महान क्रांतिकारी भी है और महान क्रांतिकारी के रूप में, क्रांतिकारी के साथ साथ एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साहित्यकार। इनका चेतावनी रा चुंगटिया तो हर एग्जाम में पूछा हुआ है, है ना। लगभग कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये बात नहीं पूछी गई कि चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा, केसरी सिंह बारट। तो आज हम चर्चा करेंगे केसरी सिंह बारट, ठीक है, इनकी क्या साहित्यिक उपलब्धियां रही और साहित्यिक उपलब्धियों के साथ साथ इनकी क्रांतिकारी उपलब्धियां एक व्यक्तित्व के रूप में भी हम यहाँ इनको पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें एक साथ क्लियर हो सके। केसरी सिंह बारट, देखिए केसरी सिंह बारट का जीवन परिचय पहले तो हम देखते हैं कि इनका जीवन जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ, ठीक है, क्योंकि जो जो अपने राजस्थान के वीर योद्धा हैं, है ना, क्रांतिकारियों के रूप में उनका जीवन परिचय आजकल पूछा जाता है, चाहे वो अर्जुन लाल सेठी की बात करे, प्रताप सिंह बारट की बात करे, केसरी सिंह बारट की बात करे, इन सब का जीवन परिचय अक्सर पूछा जाता है। तो केसरी सिंह बारट जो है इनका जन्म हुआ शाहपुरा रियासत में। कहाँ पर हुआ था, शाहपुरा रियासत, और आपको पता होना चाहिए शाहपुरा रियासत कहाँ पर है, भीलवाड़ा। इसी शाहपुरा रियासत का एक छोटा सा गांव है देवपुरा, गांव का नाम क्या है, देवपुरा। इस देवपुरा नामक गांव में केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ। जन्मभूमि अक्सर पूछी जा सकती है क्योंकि वीर योद्धाओं की जन्मभूमि है, आना तो पूछा जा सकता है। जन्म जो है केसरी सिंह जी का 21 नवंबर 1872 को, आना जन्म तिथि भी पूछी जा सकती है, तो 21 नवंबर 1872 को केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ। इनके पिता जिनका नाम था कृष्ण सिंह बारट, पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था कृष्ण सिंह बारट, पिता का नाम क्या था, कृष्ण सिंह बारट। जबकि इनकी माता श्री का नाम था बख्तावर कंवर, माता का नाम क्या था, तो माता श्री का नाम था बख्तावर कंवर। अब इनके पूरे जीवन की घटनाएं अगर हम देखें ना, जन्म से लेकर के 1941 तक इनके मृत्यु तक, वीरगति को प्राप्त होने तक, तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी और एक एक उपलब्धि का प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। जन्म के एक महीने बाद में ये कहा जाता है कि इनकी माता श्री का देहांत हो गया, बख्तावर कंवर का देहांत हो गया। और कल्पना करो कि जिस व्यक्ति की माता का देहांत हो गया, उस व्यक्ति ने एक ऐसे परिवार में जीना सीखा जो पूरा का पूरा परिवार एक तरह से आज़ादी का दीवाना था, मातृभूमि के लिए लड़ना सीखता हो, ठीक है, और बलिदान देने की भावना जिस परिवार में हो उस परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। माँ के देहांत के बाद में बचपन की शिक्षा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था इनको, मराठी, बांग्ला, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था इनको, ठीक है। लेकिन डिंगल जो इनकी एक तरह से विरासत थी, डिंगल और पिंगल जो चारण कवियों की एक तरह से विरासत होती है, उस विरासत को इन्होंने प्राप्त किया और डिंगल और पिंगल के बहुत बड़े साहित्यकार केसरी सिंह बारट हुए, ठीक है। बचपन से ही एक व्यक्ति के जीवन का बहुत ज्यादा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। इटली के राष्ट्रपिता हुए मेजीनी, इटली में जो क्रांतिकारी हुए उनका नाम क्या था, मेजीनी। ये महान क्रांतिकारी हुए, इनको इटली के राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। तो मेजीनी का बड़ा प्रभाव पड़ा इनके जीवन पर, मेजीनी को बड़ा लाइक करते थे और ये अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, मेजीनी को मानते थे। तो केसरी सिंह बारट अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे किसको, मेजीनी को। जो आपको पता होना चाहिए इटली के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, मेजीनी जो है ये इटली के राष्ट्रपिता, इटली के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो मेजीनी जो उस समय, ये कहा जाता है कि अंग्रेज इस मेजीनी की किताबों पर, जो जो इसने किताबें प्रकाशित की, एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां जो इसने की थी, इस मेजीनी के विचारों को, मेजीनी की किताबों को अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था कि भारत में इस व्यक्ति को कोई नहीं पढ़ेगा, भारत में इसकी जो रचनाएं हैं वो एक तरह से प्रतिबंधित की गई थी। तो उस समय यह कहा जाता है कि वीर सावरकर जो था, भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, इस वीर सावरकर ने मेजीनी की आत्मकथा मराठी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी, और मराठी भाषा में लिख करके इन्होंने भेजी थी बाल गंगाधर तिलक को। किसको भेजी थी, बाल गंगाधर तिलक। ये भी बड़े महान क्रांतिकारी थे भारत के, है ना, लाल पाल और बाल गरम दल की विचारधारा के। तो बाल गंगाधर तिलक को जो मराठी भाषा में वीर सावरकर ने मेजीनी की आत्मकथा लिख करके भेजी थी, उस मराठी भाषा की मेजीनी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया था पहली बार किसने, केसरी सिंह बारट ने। तो इन्होंने मेजीनी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया
और मेजिनी के बारे में जाना, और उसी समय इन्होंने मेजिनी को अपना क्या बना लिया, राजनीतिक गुरु बना लिया। ठीक है, इनके प्रारंभिक अभियानों की अगर हम बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें, तो शुरुआती दौर में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। और ये कहा जाता है कि सन 1903 में एक घटना घटित होती है, दिल्ली का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, वायसराय का नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। इस लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। आपने मुगल काल में पढ़ा होगा अकबर दरबार, नागौर दरबार, है ना, अकबर का नागौर दरबार आपने पढ़ा होगा, 1570 में नागौर में आयोजित हुआ था। और इस नागौर दरबार का मूल उद्देश्य क्या था अकबर का, एक तरह से राजस्थान के राजपूतों को अपने पक्ष में लेना, राजस्थान के राजपूतों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करना, ये एक तरह से नागौर दरबार का मूल उद्देश्य था, इसके पीछे की ये धारणा थी। ठीक है, अकबर ये चाहता था कि भाई कौन कौन ऐसे राजपूत राजा है जो मेरे पक्ष में रह सकता है, और कौन कौन ऐसे राजपूत है जो मेरे विरुद्ध अगेंस्ट हो सकते हैं। तो अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया 1570 में, कई राजपूत सरदार, कई राजपूत राजा इस नागौर दरबार में उपस्थित हुए, और उन्होंने मुगलों के साथ में मित्रता भी की, जैसे आमेर, जैसलमेर, है ना, कई ऐसे राजा हुए जो नागौर दरबार में उपस्थित हुए। तो जैसे अकबर ने नागौर दरबार लगा करके राजपूतों को एक तरह से मुगलों के अधीन किया था, वैसे ही अंग्रेजों की एक प्लानिंग थी, अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, और इस दिल्ली दरबार में भारत की जितने भी रियासतें थी, इन सब रियासतों को, सारे राजाओं को दिल्ली दरबार में न्योता दिया, सारी रियासतों को, सारे राजाओं को दिल्ली दरबार में बुलाया। और मूलतः उन राजाओं को दिल्ली दरबार में बुलाने का मूल उद्देश्य यह था कि दिल्ली दरबार में आए और दिल्ली दरबार में आकर के अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करें। हालांकि अंग्रेजों ने लालच दे रखा था, क्योंकि जब भी कोई संधि की बात होती तो पहले राजाओं को लुभाया जाता था, फिर धीरे धीरे उनको एक तरह से विवश किया जाता था, और वो एक तरह से मकड़ी के जाल में फंसते जाते थे, है ना। फिर बाद में अंततः ये स्थिति होती कि जैसा अंग्रेज कहते वैसे राजाओं को करना पड़ता, क्योंकि संधि की शर्तें ही एक तरह से हिडन शर्तें होती है ना, कई चीज, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें शर्तें लिखी हुई रहती है, हम उन चीज़ों को पढ़ते नहीं है, लेकिन बाद में जब कोई चीज़ की कमी आती है तो हम जब रिप्लेस करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये शर्तें लिखी हुई है, हाँ ना, रिप्लेस नहीं होगा, ये नहीं होगा, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। तो 1903 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया, तो इस दिल्ली दरबार का मूल उद्देश्य था एक तरह से अंग्रेजों को गुलाम बनाना, राजाओं को अंग्रेजों के अधीन करना। तो लॉर्ड कर्जन ने भारत के सारे राजाओं को बुलाया, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था, फतेह सिंह। तो फतेह सिंह जी को भी न्योता मिलता है कि आपको भी दिल्ली दरबार में उपस्थित होना। अंग्रेजों ने कहा कि आप जो दिल्ली दरबार में आओगे तो हम आपको सितार ए हिंद की उपाधि देंगे, क्या देंगे, सितार ए हिंद। तो कई राजा जो मूर्ख थे, जिनको पता नहीं था कि भाई सितार ए हिंद की उपाधि तो मिल रही है, अंग्रेजों का थोड़ा सा साथ तो मिल रहा है, थोड़ा सा एक तरह से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन उसके बदले पूरी रियासत उनके अधीन हो जाएगी, है ना, वो उनके गुलाम हो जाएंगे। तो कई राजा इस लालच में वहां पहुंच भी जाते हैं और दिल्ली दरबार में उपस्थित होकर के एक तरह से अंग्रेजों के गुलाम बनते हैं। महाराणा फतेह सिंह, जो दुनिया की सबसे गौरवशाली रियासत है, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, और महाराणा फतेह सिंह जी को भी न्योता मिलता है कि आपको दिल्ली दरबार में उपस्थित होना है, दिल्ली दरबार में आना है। महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार जाने की योजना बनाते हैं, चित्तौड़ से ट्रेन में बैठ जाते हैं दिल्ली के लिए। तो समस्या हो गई, सारे राजस्थान के क्रांतिकारियों ने कहा कि मेवाड़ के महाराणा अगर अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लेंगे, तो मेवाड़ की तोहीन, मतलब पूरे राजपुताना की तोहीन, मेवाड़ पर गुलाम हो गए, क्योंकि इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है, और हिंदुआ सूरज अगर अंग्रेजों के अधीन हो गए, एक तारे की उपाधि लाने के लिए सूरज को अगर वो गिरवी रख करके आएंगे, तो ये एक तरह से राजस्थान का कलंक होगा, राजस्थान के इतिहास पर कलंक हो जाएगा ये। तो सारे राजाओं ने जाने की योजना बनाई, सारे क्रांतिकारियों ने कहा कि मेवाड़ के राजा को कैसे रोका जाए दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए। तो शेखावाटी में एक ठिकाना है मलसीसर, मलसीसर के ठाकुर थे भूर सिंह, जोबनेर के ठाकुर थे करण सिंह, और एक राव गोपाल सिंह खरवा, जो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। इन तीनों ने मिलकर के योजना बनाई कि महाराणा को रोका जाए। अब रोका तो कैसे जाए, तो महाराणा को एक पत्र लिखने की योजना बनाई, और तीनों ने यह कहा कि केसरी सिंह जी आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो, क्योंकि आप जो है शक्ति के उपासक हो, आपके कंठों में जो सरस्वती निवास करती है, है ना, वाणी में सरस्वती निवास करती है, तो आप ही कुछ ऐसा लिखो कि महाराणा उसको पढ़े और उनका स्वाभिमान जो वो जग जाए, वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ना करे।
तो भूर सिंह जी के कहने पर, गोपाल सिंह खरवा के कहने पर महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा जिसका नाम है चेतावनी राम चुंगटम। चेतावनी राम चुंगटम ये एक पत्र था चेतावनी राम चुंगटम। इस चेतावनी राम चुंगटम में कुल 13 सोल्टे लिखे गए। एग्जाम में पूछा जाता है ये चेतावनी राम चुंगटम में कुल कितने सोल्टे हैं, तो 13 सोल्टों का एक पत्र लिखा गया। जैसे ही महाराणा चित्तौड़ से ट्रेन में बैठते दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए, है ना, तो गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा जो है महाराणा के हाथ में एक पत्र दे देता है। महाराणा ट्रेन में बैठ करके रवाना हो जाते हैं। चित्तौड़ से ट्रेन निकलती है, चित्तौड़ से आगे एक जगह आती है सिरसिरी। जगह का नाम क्या है? सिरसिरी। एक रेलवे स्टेशन है सिरसिरी। यहां तक पहुंचते पहुंचते महाराणा ने वो खत पढ़ लिया जो केसरी सिंह बारट ने लिखा, चेतावनी राम चुंगटम लिखा। और जैसे ही वो खत पढ़ा तो महाराणा ने कहा कि बहुत बड़ा अन्याय हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता अगर मैं दिल्ली दरबार उपस्थित हो जाता। तो महाराणा ने तुरंत निर्णय लिया, महाराणा का जो स्वाभिमान था वो जाग जाता है और तुरंत निर्णय लिया कि मुझे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, मुझे अंग्रेजों की सितारे हिंद उपाधि नहीं लानी है, मुझे दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होना है। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका? केसरी सिंह बारट। उनको रोकने के लिए क्या लिखा इन्होंने? चेतावनी राम चुंगटम। कितने सोल्टे हैं इसमें? 13 सोल्टे हैं। कितने सोल्टे हैं? 13 सोल्टे लिख करके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोका था। इस चेतावनी राम चुंगटम का पहला ही सोल्टा यह है, पग पग भम्या पहाड़, पग पग भम्या पहाड़ धरा छाड़ राख्यो धर्म, पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ रे हृदय बसिया हिंदरे। है ना, इन्होंने कहा कि मेवाड़ के महाराणा तो ऐसे शूरवीर हुए जिन्होंने न जाने किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में, पहाड़ों में रह करके, जंगलों में रह करके मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, महाराणा प्रताप, है ना, राणा सांगा जैसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने कभी झुकना तो सीखा नहीं, है ना, झुकना जिनके बस में ही नहीं था, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहे, इसलिए इनको हिंदुआ सूरज कहा गया, है ना। तो इन पहाड़ों में रह करके, जंगलों में रह करके मेवाड़ के महाराणाओं ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी। जब पूरा भारत, पूरा देश मुगलों के साथ में था उस समय मेवाड़ ने मुगलों का विरोध किया, इसलिए उनको हिंदुआ सूरज कहा गया, ठीक है। और उसी मेवाड़ के महाराणा आज अंग्रेजों के सामने, गौरों के सामने दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं, है ना। डॉक्टर गजानन चरण ने लिखा कि इस डिंगल के छंदों में इतनी शक्ति थी कि मेवाड़ के महाराणा वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है ना। ओ फतेह सिंह जद फर्ज भूल, डॉक्टर गजानन जी ने लिखा कि ओ फतेह सिंह जद फर्ज भूल दिल्ली जावन तैयार हुयो, ओ फतेह सिंह जद फर्ज भूल दिल्ली जावन तैयार हुयो, हिंदुआ सूरज ने मेल उठे तारो लावन तैयार हुयो। महाराणा फतेह सिंह अपना फर्ज भूल जाते हैं कि वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा हिंदुआ सूरज हैं और वो अपना फर्ज भूल करके अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के पास में जाकर के उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए जाते हैं, है ना। ओ फतेह सिंह जद फर्ज भूल दिल्ली जावन तैयार हुयो, हिंदुआ सूरज ने मेल उठे। जिन मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है वो हिंदुआ सूरज की उपाधि तो गिरवी रख करके आ रहे हैं, उसको तो गुलाम बना करके आ रहे हैं और बदले में क्या लेकर आ रहे हैं? सितारे हिंद की उपाधि। तो सूरज की उपाधि आप गिरवी रख करके उसके बदले तारा लेकर के आ रहे हो, तो इसमें फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? सूरज को गिरवी करके उसके बदले तारा लेकर के आ रहे हो आप। तो महाराणा को लगा कि यार ये मैंने बहुत बड़ी अन्याय कर दी, अगर मैं दिल्ली पहुंच जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। तो महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हो। तो चेतावनी राम चुंगटम इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोकने के लिए इन्होंने लिखा। इसके अलावा इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे इनकी एक किताब है दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास चरित्र, अणविद्या मोती, जिसको राठौड़ों का यूलिसेज कर्नल टोड ने कहा है, इसी दुर्गादास राठौड़ के जीवन चरित्र पर इन्होंने किताब लिखी। कौन सी? दुर्गादास चरित्र, जिन्होंने औरंगजेब की नाक में दम किया, वही दुर्गादास राठौड़ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। आठ पहर 64 घड़ीर गुड़ले ऊपर वास, आठ पहर 64 घड़ीर गुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसू सेक तो ओ बाटी दुर्गादास, है ना। दुर्गादास राठौड़ हमेशा घोड़े पर जो है वो भाला लेकर के बैठे रहते थे, उनको लगता था कि कभी औरंगजेब अटैक कर सकता है और उस औरंगजेब से मुकाबले के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। दुर्गादास राठौड़ की एक तस्वीर देखी होगी आपने, एक चित्र देखा होगा जिसमें वो अपने भाले की नोक से बाटी सेकते हुए मिलेंगे आपको, घोड़े पे बैठे हुए हैं और भाले की नोक से बाटी सेक रहे हैं। तो वो इतने तत्पर और इतने चतुर व्यक्ति थे दुर्गादास राठौड़, इतने महान व्यक्ति थे। तो दुर्गादास पर इन्होंने दुर्गादास चरित्र लिखा। इन्होंने एक किताब लिखी रूठी रानी चरित्र, रूठी रानी चरित्र। जैसलमेर की राजकुमारी उमा दे, जिसका विवाह
जोधपुर के राजा मालदेव के साथ में हुआ और इतिहास में रूठी रानी के नाम से लोकप्रिय हुई। आना मान रखे तो पीऊ रखे तज मान, दो गयंदन बंदनीर एक खम्भ एक ठान। रूठी रानी को ये लिख करके दिया था आशा भारत ने, है ना। तो वही रूठी रानी, उस पर रूठी रानी चरित्र लिखा गया, प्रताप चरित्र। तो ये कई किताबें जो है ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चेतावनी रा चुंगटा। वो कोई पुस्तक नहीं है, एक पत्र है, और उस पत्र में कितने सोल्टे थे तो आपको पता होना चाहिए। चेतावनी रा चुंगटा में, ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, चेतावनी रा चुंगटा में कितने सोल्टे लिखे गए, 13 सोल्टों को लिख करके महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोका जाता है, ठीक है। इनके क्रांतिकारी विचारधारों की अगर हम बात करें और क्रांतिकारी गतिविधियों की अगर हम बात करें, तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजों की नीतियों के हमेशा ये विरोधी रहे। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जनजागृति लाने का काम किया और ये कई क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे। इनके सहयोगियों में देखेंगे तो मास्टर अमीर चंद, रास बिहारी बोस, है ना, गदर पार्टी के लाला हरदयाल, ये सब केसरी सिंह बारट के सहयोगी थे, इनके मित्र थे। और जो अर्जुन लाल सेठी थे, जो राजस्थान में युवाओं को सशस्त्र क्रांति की शिक्षा देते थे, है ना, अर्जुन लाल सेठी, मास्टर अमीर चंद, जिनके पास में एक तरह से क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो इन्होंने केसरी सिंह बारट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट को, किसको, प्रताप सिंह बारट को मास्टर अमीर चंद के पास में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा। इनको पता था कि ये रास्ता ऐसा है जिसमें इसको फांसी की सजा होगी, है ना, अपने बेटे को फांसी की सजा होगी। उनको अच्छे से पता था कि अगर ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध ये योजना बनाएंगे, तो अंग्रेज इसको गिरफ्तार करेंगे और अंग्रेज इसको फांसी की सजा सुनाएंगे। ये पता होने के बावजूद इन्होंने अपने बेटे को मास्टर अमीर चंद के पास में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा, और पूरा परिवार इनका अंग्रेजों से लड़ता हुआ एक तरह से बलिदान देता है। इसीलिए रास बिहारी बोस ने लिखा कि राजस्थान में बारट परिवार ही, केसरी सिंह बारट का ही एक ऐसा परिवार है जिसने इस मातृभूमि को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए पूरे के पूरे परिवार का बलिदान दिया। ये कथन रास बिहारी बोस ने कहा किसके संदर्भ में, केसरी सिंह बारट के संदर्भ में। किसके संदर्भ में कहा था, केसरी सिंह बारट। इनके ऊपर एक षड्यंत्र चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों को जब लगा कि यार ये व्यक्ति जो है लोगों को भड़का रहा है हमारे विरुद्ध, क्रांतिकारियों को तैयार कर रहा है, तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर एक आरोप लगाया, षड्यंत्र इनके विरुद्ध चलाया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बाकायदा ये कहा कि इस राजपुताना में दो ही ऐसे व्यक्ति है जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को क्रांतिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक अर्जुन लाल सेठी और दूसरा केसरी सिंह बारट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों का नाम लिया कि ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, ये क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग, अपने बेटों को, जिनको पता है कि फांसी की सजा होनी है इस रास्ते पे, अपने बेटों को भी ट्रेनिंग देने के लिए भेज दिया, कैसा व्यक्ति है ये, है ना। तो अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट दोनों को अंग्रेजों ने जिम्मेदार माना कि ये क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इन पे एक आरोप लगाया गया, बनारस के महंत थे साधु प्यारे लाल, है ना, और ये कहा जाता है कि साधु प्यारे लाल का जो है वो अपहरण किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके पास में बहुत सारा धन था और उस धन को हड़प करके, एक तरह से धन को लेकर के क्रांतिकारियों में उस धन का सदुपयोग करने के लिए ये हत्याकांड हुआ था महंत प्यारेलाल साधु का। और इस महंत प्यारेलाल साधु षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने केसरी सिंह बारट को 20 वर्षों की सजा दी। कितने वर्षों की, 20 साल की सजा दी। मार्च 1914 में इनको जेल भेजा जाता है, हजारीबाग जेल। कौन सी जेल में, हजारीबाग जेल। इस हजारीबाग जेल में इनको 20 वर्षों का जो है वो कारावास अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मिस्टर आर्मस्ट्रांग। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, मिस्टर आर्मस्ट्रांग, जो उस समय DIGP था। इस मिस्टर आर्मस्ट्रांग ने, ये शाहपुरा आया और शाहपुरा के राजा थे नाहर सिंह, शाहपुरा के नरेश कौन देव, नाहर सिंह, इनके सहयोग से केसरी सिंह बारट को इन्होंने गिरफ्तार किया। नाहर सिंह जी ने सहयोग किया और केसरी सिंह बारट को 20 वर्षों की सजा होती है। हजारीबाग जेल में रहते हैं और जेल में रहते हुए भी उन्होंने कैदियों का सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। इनको जेल में चक्की पीसने का काम दिया जाता है और वहां पर यह कहा जाता है कि अनाज के दानों से उन्होंने अक्षर बना करके जो अनपढ़ कैदी थे उनको पढ़ाने का काम किया। कितना महान व्यक्ति था ये, है ना, जो अनाज के दाने, क्योंकि पढ़ने के लिए पेन तो कहाँ था जेल में, इसलिए जो अनाज इनको पीसने के लिए दिया जाता था उस अनाज के दानों से केक हेगे बना करके जो अनपढ़ कैदी थे उनको पढ़ाने का काम किया। उन्हीं अनाज के दानों से इन्होंने भारत का मानचित्र बना करके उन कैदियों को समझाया कि ये भारत है और ये अंग्रेज है जिन्होंने इस अपने भारत पर अधिकार कर रखा है। तो वहां पर भी इन्होंने कैदियों को एक तरह से प्रशिक्षण देने का काम किया। 1920 में जेल से रिहा हुए और जेल से रिहा होने के बाद में राजस्थान के AGG जो माउंट आबू में बैठते थे, कहाँ बैठते थे,
माउंट आबू, यहाँ पर अंग्रेजों का सबसे बड़ा एक व्यक्ति बैठता था जिसको क्या बोला जाता था, एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो इस एजीजी को इन्होंने खत लिखा और कहा कि राजस्थान में एक तरह से द्विसदनात्मक एक प्रणाली होनी चाहिए, दो सदन बनने चाहिए, एक सदन जो आपके भूमि वर्ग से संबंधित हो, जमींदार वर्ग से संबंधित हो जिसमें जागीरदार, उमराव, भूमि वगैरह रखने वाले लोग हो, और एक ऐसा वर्ग होना चाहिए, एक ऐसा सदस्य का एक समूह होना चाहिए जिसमें साधारण लोग जो खेती करते हैं, साधारण श्रमिक जो है, उन लोगों को रखना चाहिए ताकि साधारण लोगों की बातचीत जो अंग्रेजों तक आसानी से पहुंच सके। तो इन्होंने राजस्थान में द्विसदनात्मक एक शासन प्रणाली की भी मांग अंग्रेजों से की थी, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों को खत भी लिखा था कि जनता जो है ये एक तरह से टैक्स देने वाली मशीन है, आना जो लगातार आपको टैक्स दे रही है। इनके विचारों से आप सोचो कि कितने महान विचार होंगे इस व्यक्ति के। इन्होंने अंग्रेजों को खत लिखा कि जनता जो है मात्र टैक्स देने की मशीन है और शासक वर्ग जो है उस टैक्स को उठाने का एक यंत्र है जो जनता से सीधा टैक्स वसूलता है और अपना अपने पास रख लेते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं, इसलिए इस चीज को ज्यादा मत देर तक रखो मत, नहीं तो तुम्हारा एक दिन अंत हो जाएगा। इन्होंने अंग्रेजों को चेताया कि ना तो तुम लोग जो है वो पूर्णतः एक तरह से शासन प्रणाली को खत्म कर पाए और ना ही पूर्णतः तुम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी लागू की, इसलिए ना तो तुम नवीन विचारधारा के रहे ना ही प्राचीन विचारधारा के रहे, इसलिए अग्नि को ज्यादा दिनों तक चादर से ढकने की कोशिश मत करो, एक ना एक दिन ये भ्रम जो है तुम्हारा उठ जाएगा। तो लोगों में जनजागृति का काम किया इन्होंने, हर जगह पर जहां पर भी रहे इन्होंने जनजागृति का काम किया। 1921 में शेखावाटी के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम था, जिनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, जमनालाल बजाज। तो सेठ जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर 1921 में ये चले गए वर्धा। कहां चले गए? वर्धा। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र। तो ये 1921 में वर्धा चले गए, महाराष्ट्र रहे, और यहीं पर वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने इनके नाम से एक समाचार पत्र निकाला, राजस्थान केसरी। कौन सा समाचार पत्र निकाला? राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। बहुत बार पूछा गया ये पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, तो राजस्थान केसरी इसी केसरी सिंह बारट के नाम से विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया। यहीं पर जीवन का अंतिम समय यहीं पर रहता है, यहीं पर इनकी मुलाकात गांधी जी से भी होती है। और 14 अगस्त 1941 को केसरी सिंह बारट की मृत्यु होती है। तो एक क्रांतिकारी के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में केसरी सिंह बारट अजर अमर है।